हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आई हूँ, उस प्रोडक्ट का नाम है जपा कुसुम आयुर्वेदिक स्कैल्प लोशन। ये बायोग्रीन हेल्थ केयर कंपनी का प्रोडक्ट है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट 3 टाइप्स क्वांटिटी पैकेजिंग में आता है, 60 ml, 100 ml और 200 ml। 60 ml की MRP है 110 rupees, 100 ml की MRP है 180 rupees और 200 ml की MRP है 290 rupees। दोस्तों, ये प्रोडक्ट हेयर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और ये प्रोडक्ट ऑल हेयर टाइप्स के लिए सुटेबल है। दोस्तों, ये कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट नहीं है, ये हेयर थेरेपी के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें किसी भी तरह के केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इसे मैन वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। इसमें हिबिस्कस, हिना, भृंगराज, इंडियन गूसबेरी और एलोवेरा, इन सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। अब हम जानते हैं ये प्रोडक्ट वर्क कैसे करता है। इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है हिबिस्कस। हिबिस्कस मतलब गुड़हल के फूल। दोस्तों, हिबिस्कस को बालों की अच्छी हेल्थ और ग्रोथ के लिए एक बहुत ही बेहतरीन हर्ब माना जाता है। ये बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को दोबारा ग्रो करने में हेल्प करता है और साथ ही प्री मेच्योर ग्रेइंग को भी रोकता है। इसका सेकंड इंग्रेडिएंट है हिना, मतलब मेहंदी। दोस्तों, मेहंदी बालों को मजबूत करने में काफी हेल्पफुल होती है और साथ ही ये नेचुरल कंडीशनर भी होती है, साथ ही ये स्कैल्प को सूदिंग इफेक्ट भी देती है। थर्ड इंग्रेडिएंट है भृंगराज। भृंगराज भी बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, ये बालों की क्वालिटी को सुधारने में काफ़ी मदद करता है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को भी दूर करता है और समय से पहले बालों को सफ़ेद होने से भी बचाता है, साथ ही बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों की ग्रोथ में भी मदद करता है। फोर्थ इंग्रेडिएंट है इंडियन गूसबेरी, मतलब आंवला। आंवला बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी कारगर होता है। ये हेयर ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, बालों की क्वालिटी को सुधारने में हेल्प करता है। इसमें विटामिन सी होता है, कैल्शियम होता है, जो बालों को हेल्दी रखने में काफी असरदार होता है। इसका लास्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। एलोवेरा बालों को स्मूथ बनाता है, स्कैल्प को हेल्दी रखता है और साथ ही रूखे बालों को नरिश करता है। अब जानते हैं इस जपा कुसुम आयुर्वेदिक स्कैल्प लोशन को यूज कैसे करना है। इसको आपको सफिशियंट अमाउंट में लेके अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से बालों की जड़ों में स्कैल्प पे अच्छी तरह से मसाज करके अप्लाई करना है। कम से कम आपको 10 मिनट तक इसे बालों की जड़ों में मसाज करना है। आपको इसे रात में सोने से पहले साफ बालों में अप्लाई करना है और फिर मॉर्निंग में आप हेयर वॉश कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, ये एक पूरी तरह से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसमें किसी भी तरह के केमिकल का यूज नहीं किया गया है, सो ये बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट है। दोस्तों, अब जानते हैं इसे कौन कौन सी हेयर प्रॉब्लम के लिए यूज किया जा सकता है। इससे स्कैल्प में इचिंग, डैंड्रफ, हेयर फॉल, हेयर लॉस, रफ हेयर, इन सारी हेयर प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रोडक्ट बालों की प्रॉब्लम्स के लिए काफी हेल्पफुल है, तो आप इसे जरूर ट्राई करके देख सकते हैं। और आपको इसे यूज करने से क्या बेनिफिट हुए हैं, क्या आपको रिजल्ट मिला है, ये कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। तो ये थी दोस्तों जपा कुसुम आयुर्वेदिक स्कैल्प लोशन के बारे में पूरी जानकारी। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल भी लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियोज को देखना पसंद करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए। और अगर आप किसी ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।